विधायक नीतीश रानी ने ठाकरे गुट शिवसेना के पदाधिकारी बड़गुजर के पार्टी में दाऊद के शार्प शूटर सलीम कुत्ता की मौजूदगी का गंभीर आरोप लगाया था, जिसका खंडन करते हुए विधायक कैलाश गोरंटियाल ने जानकारी दी कि 1998 में ही छोटा राजन के लोगों ने सलीम कुत्ता को मौत की घात उतारा, जिसके बाद उसकी तीन पत्नियों ने भी जायदाद रिलीज की दरख्वास्त की थी, तो फिर वह सलीम कुत्ता कैसे हो सकता है, ऐसा सवाल उन्होंने मौजूद किया है और इस आरोप को बेबुनियाद बताया। देखिए, जो आरोप राणे आमदार राणे ने लगाया बड़गुजर जी और उद्धव साहब के परिवार के ऊपर कि एक बम शॉट का आरोपी उनके साथ डांस कर रहा है, एक्चुअल देखा जाए सलीम कुत्ता उर्फ सलीम कुरला इसका 98 के अंदर मर्डर हो गया। छोटा राजन के जो हस्तक है रोहित वर्मा, भाड़ू ढाकरे और संतोष शेट्टी, इन्होंने उसका हॉस्पिटल के अंदर मारा, हॉस्पिटल के अंदर। और जो अभी ये नई सलीम कुत्ता लाया ये मुझे पता नहीं कहाँ से है, और सलीम कुत्ता की तीन बीबियाँ है और तीनों बीबी ने टाड़ा कोर्ट के अंदर अर्जी किया है कि हमारे पति का देहांत हो गया, हमारे पति का मर्डर हो गया, हमारी जो प्रॉपर्टी सीज करी हुई वो रिलीज किया करके, तब टाड़ा कोर्ट ने उनकी पूरी प्रॉपर्टी रिलीज किया हुआ। मेरे गृह मंत्री से निवेदन है, आपको सभी मालूम है, आपने सदन में इसका खुलासा करना चाहिए। देखो, ये अधिवेशन ये ठाकरे परिवार को बदनाम करने के लिए लिया गया, ये विदर्भा के प्रश्नों के लिए नहीं, ये शेतकड़ियों के प्रश्नों के लिए, ये अतिवृष्टि के लिए नहीं, किसी ने सिर्फ ठाकरे परिवार को कैसा बदनाम किया जाए उसके लिए सत्र है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, SIT के गठन की जरूरत नहीं है। ये माँ जो गृह खाते के सचिव रहते हैं, जो सम्मानित गृह मंत्री के, उन्होंने एक चिट्ठी भेज के बताना चाहिए कि सलीम कुत्ता की मौत कब हुई। और मैं आपको ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, वीडियो में जो दिख रहा है वो सलीम मियाँ भाई ऐसा ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन सलीम कुत्ते का मर्डर 98 के अंदर हुआ है। छोटा राजन के लोगों ने उसको शूट किया, मारने वाले में रोहित वर्मा है, मारने वाले में बालू ढाकरे है और संतोष शेट्टी है।